ख्वाहिशों की उड़ान, उड़ान ऐसी जिसमें कुछ कर दिखाने का जज्बा हो, जिसमें लीक से हटकर खुद को बुलंदियों तक पहुंचाने की चाह हो। आज के ख्वाहिशों की उड़ान प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं कश्मीर से मोहम्मद हम्माद। हम्माद पेशे से फुटबॉल प्लेयर हैं। कैसे कश्मीर के युवा स्पोर्ट्स की तरफ रुख कर रहे हैं और कैसे खुद को मोहम्मद हम्माद उस कड़ी में एक खास रोल अदा कर रहे हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। कश्मीर से फुटबॉल जगत के उभरते हुए सितारे मोहम्मद हम्माद से उनके बारे में जानेंगे। मोहम्मद हम्माद, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीएनएन 24 में। थैंक यू सो मच। हम्माद, फुटबॉल में आपका करियर कब शुरू हुआ? पहले आप एक क्रिकेटर बनना चाहते थे और उसके बाद आपने सोचा कि मुझे फुटबॉल की तरफ रुख करना चाहिए, तो आपको कैसे लगा कि मुझे इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए? तो बेसिकली मेरे जो डैड है वो क्रिकेट खेला करते थे और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था क्रिकेट में बचपन से ही। तो ड्यूरिंग अंडर 16 पीरियड तो मैं प्रोफेशनली फुटबॉल सॉरी क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। तो वहाँ से मेरी जर्नी क्रिकेट की स्टार्ट होगी, तो 2014 और 15 में फ्लड्स आ गए कश्मीर में। तो उससे पहले हमारे अंडर 19 एज ग्रुप नेशनल्स के ट्रायल मैचेस हुए थे तो उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने के बाद जो ही फ्लड्स आ गए, तो जो ही फ्लड्स थोड़ा कम हो गए तो मैं पता करने गया क्या कि हमारी नेशनल टीम का हुआ क्या है, मतलब नेशनल्स के लिए सिलेक्शन हुई या नहीं। तो वहाँ जाकर ये पता चली कि वो ऑलरेडी टीम जा चुकी है और अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी मैं सिलेक्ट नहीं हुआ जी। तो वहाँ से फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अब क्रिकेट और कंटिन्यू नहीं करना चाहूँगा, तो काफ़ी डिसअपॉइंटेड था। तो उसके बाद एक्चुअली कोई मेरा इरादा नहीं था कि फ़ुटबॉल में कैरियर स्टार्ट करने का। तो मेरे फ्रेंड्स फुटबॉल खेलते थे, उनमें से खाली मैं ही क्रिकेट खेला करता था। तो एक संडे उनका टूर्नामेंट था तो मैं भी चले गया खेलने। तो वहाँ के हमारे इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर जो रह चुके हैं, जो अभी कोच भी है, मजीद कुकरू, जो इंडिया टीम को कैप्टन भी किया है उन्होंने, वो कश्मीर से है। तो ऐसे एक संडे नॉर्मली एक टूर्नामेंट का मैच खेल रहा था, तो मैच खेलने के बाद मैं उस मैच में मैन ऑफ द मैच आया था। तो उन्होंने आकर मुझे बुलाया था और बोला था कि आपका काफ़ी अच्छा टैलेंट है फुटबॉल में। तो मैं भी काफ़ी सरप्राइज हो गया था कि ऐसे पहले कभी खेला नहीं है, बस देखा ही फुटबॉल। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट होगी। उसके बाद मैंने लोन स्टार से स्विच किया था रियल कश्मीर में। तो रियल कश्मीर में हमने सेकेंड डिवीजन खेला, उस साल पार्टिसिपेट किया, तो हमारी एक बहुत अच्छी रिदम और रन बनती गई। तो उस साल हम अनबीटन रहे और चैंपियंस हो गए, तो वो एक मेमोरेबल मोमेंट था हम सब के लिए। हाल ही में अभी जम्मू कश्मीर में पुलिस फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया और उसमें आपकी टीम विनर रही, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? तो बेसिकली ये जो पुलिस टूर्नामेंट है ये 10 डेज का टूर्नामेंट होता है, तो उसमें ज़्यादा रेस्ट करने के लिए आपको टाइम नहीं मिलता है, नॉकआउट टूर्नामेंट है। तो हम ऑलमोस्ट पाँच दिन में 4 मैचेस खेले थे इंक्लूडिंग फाइनल्स। तो ये मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ अपने टीममेट्स को, जो क्योंकि अपने आप को फिट रखना विदाउट रेस्ट एक अमेजिंग जॉब है। तो हम पाँच दिन में चार मैच खेल के फाइनल जीत गए, तो ये एक वंडरफुल अचीवमेंट थी हमारे लिए। हम्माद, आज अपनी लाइफ में आप इस मुकाम पर हैं और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जो जर्नी रही है इसमें आप किसको अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं? तो बेसिकली जब मैं क्रिकेट भी खेलता था तो लेकिन मैं फुटबॉल में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था। जैसे उन दिनों हमारे इंटरनेशनल फुटबॉलर थे जैसे महराजुद्दीन वडू थे, इशफाक थे, वो कश्मीर से रिप्रेजेंट कर रहे थे, इंडिया टीम में खेल रहे थे, आई लीग में खेल रहे थे, टॉप क्लब्स में इंडिया के खेल रहे थे, तो उनके मैचेस देखा करता था। तो फिर जब हमने सेकेंड डिवीजन जीत कर, हम मेरा टीम मेट है दानी जी अभी भी जिनने रिसेंटली इंडिया रिप्रेजेंट किया, तो उनसे हम सेकेंड डिवीजन जीत के उस रात हम बात करते रहे कि भाई हम टीवी पे देखते थे, आज यार अगले साल हम भी आई लीग खेल रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक मेमोरेबल मोमेंट था। हम्माद, आप लोन स्टार कश्मीर एफसी के फॉर्मर प्लेयर रहे और आज रियल कश्मीर एफसी के डिफेंडर हैं। 2015-16 में जम्मू कश्मीर को संतोष ट्रॉफी भी में आपने रिप्रेजेंट किया। इसके अलावा राजस्थान मेंस लीग 2022-23 ट्रॉफी अपने नाम की। हम्माद, आपसे मेरा सवाल है कि आपका डेली रूटीन क्या रहता है और कितना टाइम आप अपनी प्रैक्टिस को देते हैं? तो बेसिकली अगर हमारी सुबह मॉर्निंग में ट्रेनिंग है तो मॉर्निंग में हम ऑलमोस्ट टीम के साथ ऑलमोस्ट 1.5 आवर या 2 आवर्स ट्रेनिंग करते हैं। तो उसके बाद घर आकर प्रॉपर रेस्ट, डाइट, उसके बाद दिन में फॉर एग्जांपल किसी का इंडिविजुअल होगा, इंडिविजुअली थोड़ा ट्रेनिंग करते हैं, फिर शाम को जिम। तो ये और आप इस दौरान पढ़ाई भी कैसे मैनेज करते हैं? जी वो एक्चुअली रिसेंटली मैंने अपनी बैचलर्स कम्प्लीट की थी जी।
तो यहीं फिर सुबह से आकर वहाँ तो स्पोर्ट्स में थोड़ा सा कॉलेज में आपको थोड़ा सा मिल जाता है वो, तो वहाँ से आकर हम खाली एग्जाम्स अटेंड करने पड़ते हैं, वो स्पोर्ट्स कैटेगरी में एक एडवांटेज आपको मिलती है, तो खाली एग्जाम्स के दौरान आपको जाना पड़ता है कॉलेज एग्जाम्स देने के, बाकी सब ऐसे घर से थोड़ा इंटरनेट वगैरह से पढ़ाई करके मैनेज कर लेते। हमद, आपके करियर का कोई टर्निंग पॉइंट रहा हो या फिर कोई बेहद खास मोमेंट रहा हो जिसको आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, उसके बारे में बताएं। बेसिकली वही टर्निंग पॉइंट था कि जब मैं वहाँ एक संडे नॉर्मली अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने गया, तो वहाँ से मेरी एक हिसाब से वो कहेंगे लाइफ चेंज हो गई जी। तो ये कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब आई लीग जो बचपन से टीवी में देखते थे कि वो हम एक दिन खेलेंगे, तो वही हमारे लिए सबसे मेमोरेबल मोमेंट वही था कि सेकेंड डिवीजन खेलते खेलते हम एक अनबीटन रन जो गई, और उसके बाद हमने फाइनल राउंड्स में जो चैंपियन हो गए, वो मेरे हिसाब से मेरी लाइफ का सबसे मेमोरेबल मोमेंट था। और जिस दिन मैंने आई लीग में डेब्यू किया था, तो मेरे लाइफ के कुछ मेमोरेबल मोमेंट जी। आपको एक मैच के दौरान चोट लगी थी जी। वो उस टाइम क्या हुआ उस मैच में, और उसके बाद आपकी जर्नी किस तरीके से बदली जी, उसके बारे में। एग्जैक्टली, तो बेसिकली 2020 में जब ऑफ सीजन चल रहा था, तो मैं एक ट्रेनिंग मैच में मेरा नी ट्विस्ट हो गया था, तो मेरी पहले करियर की मेजर इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे को सर्जरी करानी पड़ी नी में। तो उसकी वजह से मैं गेम से बाहर रहा 8-9 महीने सर्जरी के बाद रिकवरी, तो उसके बाद मैंने खेलना स्टार्ट फिर से किया धीरे धीरे। तो मैं संतोष ट्रॉफी स्टेट नेशनल्स जो है उसमें पार्टिसिपेट करके अच्छी परफॉर्मेंस करके फिर से रियल कश्मीर आई लीग के लिए बुलाया गया। तो रियल कश्मीर आई लीग के पहले 3-4 मैच स्टार्ट नहीं करने के बाद 5वें मैच में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली वापस अपना करियर किक करने के लिए। तो उस मैच में ऑलमोस्ट 60 मिनट्स खेल के मेरा फिर से नी ट्विस्ट हो गया और फिर से वही इंजरी हो गई। तो उसके बाद वो मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट टाइम था, क्योंकि सेम नी में इंजरी होने के बाद और एक सर्जरी से और उस सब रिहैब वगैरह सब मेंटल टॉर्चर से फिर से गुजरना पड़ता, तो फिर मेरे लिए वो एक बहुत ज़्यादा टफ टाइम था। उसके बाद मैंने और एक सर्जरी 2021 में कराई, और रिसेंटली अपनी रिकवरी करके मैं जयपुर गया खेलने, वहाँ पे जयपुर लीग खेली, वो चैंपियन हो गए वहाँ पे राजस्थान लीग के। तो अभी कश्मीर में जाके टूर्नामेंट स्टार्ट किया, तो इसमें भी चैंपियन हो गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी अच्छा है। उस दौरान आपने अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग किया, कितना टाइम लगा आपको रिकवरी में? तो पहली सर्जरी के बाद ऑलमोस्ट एट मंथ्स के बाद मैंने दूसरी सर्जरी में, सेम लेग में दूसरी सर्जरी थी, तो इस बार 1 साल लग गया दूसरी। तो काफ़ी मेंटली टफ था, कई बार सोचा कि क्विट करे, लेकिन वही है कि काफ़ी ज़्यादा मेरे कुछ कोचेज हैं, मेरे कुछ वेल विशर्स हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया, और मेरे फैमिली फ्रेंड्स जिनने मेरे को सपोर्ट किया, तो उसकी वजह से फिर उस फेज से निकलने के बाद मैंने अच्छी रिकवरी करने के बाद फिर से अपना करियर स्टार्ट करने की ठान ली। तो अभी धीरे धीरे चल रहा है। आप पहले क्रिकेट में जाना चाहते थे, और जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया कि आप फुटबॉल में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उन लोगों का कैसा रिएक्शन था? तो बेसिकली मेरे फादर खुद एक स्पोर्ट्समैन है, तो लेकिन उनके लिए भी एक डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मेरा वो एक फेज चल रहा था, मैं 18 ईयर्स ओल्ड था, तो अचानक क्रिकेट से फिर स्विच करना फुटबॉल में, वो भी इस एज में काफ़ी डिफिकल्ट है कि आप अपना करियर बनाए। तो लेकिन स्टार्ट में मेरे थोड़ा फैमिली थोड़ा हेजिटेट हो गई, लेकिन फिर मेरे फादर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है, वो थोड़ा हैंडल कर लेते हैं घर पे, तो उन्होंने हैंडल किया, तो धीरे धीरे मेरे को थोड़ा क्विक सक्सेस मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से क्विक सक्सेस मिल गई। तो मेरे फैमिली भी मेरे को मोटिवेट करते हैं इस सब में आप अपना करियर अचीव करें जी। हम्मा, जब आपके पास जो छोटे छोटे बच्चे आपसे ऑटोग्राफ लेने के लिए आते हैं, उस दौरान आपको कैसा फील होता है? जी, ये एक अमेजिंग मोमेंट है जब आपको यंगस्टर्स आके आपसे कुछ पूछे, आपकी गाइडेंस कुछ हेल्प ले आपसे, आपके साथ से फोटोज़ खिंचाए, सेल्फी खिंचाए, तो एक प्राउड मोमेंट है मेरे लिए और मेरी फैमिलीज के लिए कि मैं यहाँ तक आ गया। तो मेरी ये भी यंगस्टर्स से अपील है कि अपनी ड्रीम्स के लिए हार्ड वर्क कीजिए। जी, मेरा अगला सवाल यंगस्टर से जुड़ा हुआ है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी जो यूथ जो इस फील्ड फुटबॉल में आना चाहते हैं और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने आपके जो भी गोल्स हैं उन पे काफ़ी फोकस्ड रहिए, मोटिवेटेड रहिए। तो आपका किसी में भी कैरियर बनाना है, अपना हार्ड वर्क कीजिए, डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, जस्ट कीप चेजिंग योर ड्रीम्स। आपको जितना हो सके हार्ड वर्क रहिए, एक अच्छा प्रोफेशनल बनिए। जब आप ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, तो आपको ज़रूर वो अचीव हो जाता है जिसके लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो ये मेरी यंग जनरेशन से अपील है। हमारे जो युवा जो हैं इस फुटबॉल में आना चाहते हैं या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इस फील्ड में आने के लिए, उन नए यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, उसके बारे में बताइए।
जी एक ये बहुत अच्छी बात है, जैसे अभी हमारे कश्मीर में थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम चल रही है या जैसे ड्रग अलार्मिंग सिचुएशन है कश्मीर में, तो मैं मेरी यूथ से ही बात होती है कि अपने पैशन को फॉलो कीजिए, सबसे बाहर आइए, ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में हिस्सा लीजिए, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कुछ भी हो, जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनको फॉलो कीजिए। तो जब भी मेरे से कोई यूथ कोई सवाल पूछता है कि मेरे को ऐसे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि अपने ड्रीम्स को फॉलो करें, इस फील्ड में जाइए, अपना करियर बनाए, और धीरे धीरे अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है कश्मीर में। जैसे अभी रियल कश्मीर करके एक आई लीग क्लब है, इससे पहले जैसे जब मैंने स्टार्ट किया हमारे होम टाउन से कोई ऐसा प्रोफेशनल क्लब नहीं था, तो अभी यंगस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा मोटिवेशन है कि अपनी स्टेट में अपनी स्टेट की लीग में परफॉर्म करके वो सीधा डायरेक्ट आई लीग में खेल सकते हैं, रियल कश्मीर से पार्टिसिपेट कर सकते। जैसे लोन स्टार है, अभी नया एक क्लब आया डाउनटाउन हीरो जो रिसेंटली सेकेंड डिवीजन में पार्टिसिपेट किया है, तो अभी हमारे कश्मीर में यूथ के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। थैंक यू सो मच डेन 24 के साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कश्मीर से मोहम्मद हम्माद, जो कश्मीर में फुटबॉल उभरते हुए फुटबॉल प्लेयर हैं। आगे भी हम ख्वाहिशों की उड़ान प्रोग्राम में आपको अलग अलग शख्सियतों से रूबरू कराते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया हम्माद। डेन 24 की टीम से एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। थैंक यू सो मच। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।